तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे। तो भाई लोग आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? तपोवन जा रहे हैं। उसकी दूरी कितनी होगी? 7 किलोमीटर। तो क्या मजा करना है वहाँ की नहीं करना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कैसा फील हो रहा है सुबह का मौसम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कुंडा मोर है और हम लोग है इस समय कहाँ? कुंडा मोर जो कि तपोवन के लिए एक और रास्ता कटता है यहाँ से, और उसके बाद कुंडा थाना के लिए एक और रास्ता कटता है, और एक पाड़ी दुकान के लिए। हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ पे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब तपोवन की ओर, और आपको बताएंगे, दिखाएंगे तपोवन के बारे में। जय बजरंगबली, इधर देखिए जरा। बजरंगबली नाराज हो गए क्या? छोटे हनुमान, जय हनुमान। इधर देखिए बजरंगबली, इधर देखिए, इधर 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 है हम। और ये हम लोग तपोवन पहाड़ की ओर जा रहे हैं, देखते हैं आगे हमें क्या क्या एडवेंचर मिलती हैं, और आपको ज़रूर दिखाएंगे। काफ़ी दुकानें थी जो कोरोना वायरस के चलते अभी फ़िलहाल बंद चल रही हैं। देख सकते हैं दुकानों का कैसा बुरा हाल हो रखा है। सारी दुकानों की बुरी हाल हो रखी है अभी। हर हर महादेव। देखिए ये तपोवन का मेन शिव मंदिर है यहाँ पे, और ये रहा, इधर से हम लोग एंट्री करते हैं पहाड़ की ओर जाते हैं। ये रास्ता दिखाइए, इधर ये अपना एंट्रेंस है, हम लोग जाते हैं और फिर वापस हमें इसी रास्ते से आना है। इधर से एंट्री है और फिर वापस पूरा पहाड़ घूमते हुए रास्ता इधर से ही है, इधर से फिर हम लोग वापस आएंगे। फिर चलिए मैं आप लोग को कि कैसा पहाड़ है, कैसा कैसा गुफा है यहाँ पे, कैसा मंदिर है, तो देखिए बताएंगे आप लोग। यहाँ पे तपोवन का पोस्ट ऑफिस है, और ये बुद्ध देव की प्रतिमा है, एक छोटी सी प्रतिमा यहाँ पे। और ये जो आप गुफा देख रहे हैं इधर, ये जो गुफा देख रहे हैं यहाँ पे ऋषि मुनि सब तप किया करते थे यहाँ पे, इसलिए इसका नाम ही तपोभूमि पड़ा है यहाँ का।
तो चलिए आगे दिखाते हैं ऐसा ऐसा और बहुत सारा गुफा है ऊपर में और बहुत सारा मंदिर भी है। देखिए बेचारी ये हमारी एक फ्रेंड पीछे रह गई थी बहुत, ये रास्ता भी भटक गई थी। एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है इनका और इनको कुछ नहीं चाहिए, कोई नजारा से कोई मतलब नहीं है, इनको बस क्लिक चाहिए वो भी रैंडम वाला। देखिए आ रही है, आइए। अच्छा कैसे हैं आप, आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? ओह माय गॉड, इतने में थक गए बेचारी। ओह खैर चलिए थोड़ा आराम करके फिर आगे बढ़ा जाए। ऑफ कोर्स, हाँ सही बात, चलो पसीना हो जाएगा। चलिए भैया सब ऊपर चलते हैं, ऊपर का नजारा देखेंगे, चलते हैं ऊपर। हाँ शिवम भैया नजारा देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत जो कि बहुत सुंदर है। और ये हम लोग तकरीबन अभी 40 फीट की ऊंचाई पे आ चुके हैं क्या शिवम भैया? नहीं 40 फीट से ज्यादा ऊंचाई है, ज्यादा ऊंचाई है। हाँ अंदाजा हमें नहीं हो पा रहा है। आप अगर आते हैं यहाँ पे तो परिवार के साथ आए या दोस्तों के साथ आए, यहाँ तो खूब मजा आने वाला है आपको। अभी हम लोग जिस ऊंचाई तक यहाँ तक आने में ही लोगों का हालत खराब हो जाता है, तो खैर हम लोग तो खैर डेली वर्कआउट करने वाले लोग हैं, तो खैर हम लोग के लिए वार्म अप भी नहीं हुआ अभी। और ये हमारी एक महिला में तो फिर थक के बैठ गई, तो देखिए लोग कैसे थक के बैठ रहे हैं यहाँ पे। अभी देख सकते हैं हम लोग कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, ऊंचाई तकरीबन यहाँ से 150-200 फीट हो गया। हम लोग वहां पे थे एकदम नीचे, आपको दिख रही रहा होगा कितना नीचे थे हम लोग, कितना ऊंचाई पे आ गए। और ये मॉर्निंग का सूरज, और ये हमारे मित्र सब, संगी साथी, लंगोटिया यार जो कर ले इन्हें, इन्हें के साथ हमारा और ये हम लोग जन्नत की ऊंचाइयों में। और ये शिवम भैया तो ऊपर चढ़ चुके हैं, और ये गुलशन भैया देखते हैं बंदरों की तरह। ट्राई द की ऑफ सक्सेस, ही नीड्स अ हेल्पिंग हैंड। या चल जा भाई, चल जाओ माउंटेन व्यू का तागत देख सकते हैं कहाँ पे हैं ये लोग। चार गया, चार गया भाई, पूरा मजा आ रहा, पूरा मजा आ रहा है। देखिए इधर चिकू एक बार अपना वाला डायलॉग बोल दो भाई, कहाँ पे हम लोग? हम लोग पहाड़ों की गहराइयों में। वो कह रहा है मैं, हम ऊंचाई पे भाई, देख लो हम ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे यहाँ देखिए ये मेरा दिल पहाड़ों में कहीं खो गया, सही में खो गया यार, दिल देख लो हमारा दिल इन पहाड़ों में खो गया यार। कहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, थोड़ा गुलशन खड़ा होता है हाइट पे, देख कर तो पहाड़ी है, गुलशन खड़ा होता है देख आराम से संभल के। ओ भाई, ओ थ्रिलिंग यार, गजब लग रहा है, हिला तक नहीं जा रहा इतना हाइट, वाह। देखो वो लोग पीछे कहाँ पे है, वो पीछे तपोवन का व्यू पॉइंट वो जहाँ पे वो लोग बैठा होगा, और हम लोग देखो कितने हाइट पे कहाँ पे हैं। ओह माय गॉड, तो हम लोग आ चुके हैं तपोवन की सबसे ऊंची जगह पे। अब देख सकते हैं कि काफी ही ऊंचाई है यहाँ की, हालांकि ये सुबह का टाइम है तो यहाँ पे अभी तक कोई बाहरी लोग आए नहीं है घूमने के लिए, मगर हम लोग को मजा काफी आ रहा है। मंदिर भी अभी सब बंद ही है,
यहाँ पे ये मंदिर है, मंदिर के अंदर में एक गुफा था जिसके अंदर से जाया जाता है, वो भी अभी बंद ही है। हमें लगा था कि इस वक्त खुल ही जाना चाहिए मगर वो खुला नहीं। आप देख सकते हैं ऊंचाई यहाँ की काफी ही ऊंची है। हमारे फ्रेंड वहाँ एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। यहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत सारे गुफा मिलेगी। अंदर में एक ऐसा गुफा है जो कि आपको देखने में बहुत ही सगरा लगेगा। सगरा यहाँ कहने का मतलब देखने में आपको बहुत ही छोटा लगेगा, कि लगेगा कि उसे कोई आदमी पार नहीं हो सकता, मगर कितना भी मोटा आदमी हो वो सारे लोग वहाँ से पार हो जाते हैं उस गुफा से। तो हम लोग उधर ही अब जाने वाले हैं और रास्ता उधर ही है, इधर से हम लोग जाएंगे। बहुत ही मजा आ गया यहाँ पे आके। मोटा से मोटा आदमी भी यहाँ से आसानी से गुजर जाता है, यही महादेव की कृपा, यही बजरंग बली की कृपा। देख सकते हैं हमें पूरा मजा आ रहा है। ओ भाई नहीं करो, छेड़ो नहीं, आवाज मत करो।